इतना बेहोश बिया दादी हम एकरा पिकअप करे एकरा घर गेल रहनी फिर हमनी कहीं जात रहनी और रास्ता में ही बेहोश हो गेली हमरा कुछ समझ में ना आयल तो हम एकरा घर ले आईनी तू तू एके ऊपर लेके जावा आलिया डॉक्टर के फोन करा ये आपके का लगेली फ्रेंड सेक्रेटरी भैया ठीक बा आप इनकर फैमिली के इन्फॉर्म कर दी और इनका ये खुशखबरी दे दी कि वो माँ बनने वाले बानी देखा तो कि जे भी कहे के बाना जल्दी का हमके तोहार बकवास ना सुने के बा हम आपके खुशखबरी देवे खातिर फोन कर ले रहनी कि आप नानी बनने वाला बानी लेकिन जब माँ बन ले ना तो ओकरा खातिर सबसे बड़ दिन होकेला लेकिन हमार बच्ची की ज्यादा इसे ना भइल काहे कि ओकरा साथ होकर बड़ दी ना ये गलती होकेले ना पहले दिया फिर आप ऐसी बातें काहे कर रहल बानी आलिया इनके तो हमने पन काम खातिर बुलावले रहे पर यहाँ के हमने की काम काहे बिगाड़ रहल बानी इनके मुँह से तो कुछ ऐसा वैसा ना निकल जाए जैसे हमने फंस जाए बस करी सरला जी आप ऐसा बात काहे कर रहल बानी जेकर कोनो जवाब ही ना बा एगो दोस्त दूसरा दोस्त के सारा बात तो ना जान सकेला ना पर एक दोस्त दूसरा दोस्त के सब कुछ तो ना बतावेला ना सब तो ना जानेला ना ओकरे बारे में और खास कर तब जब ओके कुछ यादे ना बा उ एगो लईकी बिया उ जब अपन माँ के कुछ ना बतावलक तो अपन बॉस के कैसे बताई ठंडा दिमाग से सोची ओकर भी कौनो मजबूरी होगी कौनो तो वजह होगी हमी बात कर जाए ना ओकरे बारे में चली हम आपके ओकरे पास ले चलत बानी मिनट आप ये कहे चाहत बानी कि इनके कुछ पता ही ना बा ये तो सबसे ज्यादा करीब पड़े ना ओकरे आपन दोस्त माने ले ओकरा के इतना सब गलती होकले के बावजूद भी आपने भरोसा कही के हम अपन बेटी के आपके साथ भेजनी कहे कि आप चाहत रहे कि वो आपके साथ काम करे वो भरोसा के ही नतीजा बा और आप कह रहल बानी कि एक दोस्त दूसरा दोस्त के संबंध कैसे जान सकेला हे भगवान ये कहीं ना बोल देवे कि प्रज्ञा भी के वाइफ भी आपके पता बा अगर आप एको दोस्त होता ना तो फिर हम आपके माफ कर देती लेकिन आप ओकर पर माँ तोरा से बात करे के बा हमके काहे कैलू तू ऐसन हाँ इतना बड़ कदम उठा ले लू अरे कुछ भी ना सोच लू तो के पता बना कि तोहार रिश्ता का ही समय तो मायके में बाड़ू सारा दुनिया के सामने तलाकशुदा बाड़ू लोग पूछे बच्चा कहाँ से आई एक बार तू ही ना सोच लू छोट से छोट बात बतावे लू ना तू हमके इतना बड़ बात तो हमके ना बताए हम कुछ ना कहीं नहीं सब कुछ गलत कह ले तू सब कुछ गलत ही कैले बाड़ू हमके बतावा काहे कैलू तू ऐसन अब जब कैले रहलू तब तक शर्म ना आइल रहे अब बतावे में काहे शर्म आ रहल बा बोल तू हमसे देख प्रज्ञा हमके बहुत गुस्सा रहल बा हमार मन कर रहल बा जल्दी बतावा काहे कैलू तू ऐसन काहे कैलू ये का हर बार के साथ देनी अब काहे कि हम जानत बानी कि तू हमेशा सही के साथ देलू पर ये जे तो कहले बाड़ू ए बार ना कितना गलती के कैसे संभाला हम भगवान के आगे से इतना प्रार्थना करते रहनी कि जे एकर को शिवाय के दे दे लेकिन ए बार ना काहे कि जे तू चाहत दिया ना वो तो हर जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख लाई परेशानी ही लाई का जवाब देबू तू सबके हाँ दुनिया वालन के का बोलबू की बच्चा के करवा तो के पता बाना
ए घर में तू सिर्फ एगो सेक्रेटरी बाड़ू, हमार घर के बच्ची बाड़ू तू, हमार बेटी बाड़ू। अगर तो के कुछ भी हो के ना तो हमारे घर के इज्जत दांव पे लागल बा बेटा। तू इतना सा भी ना सोच लो कि माँ जी के का हो कि हमार का हो कि हमने कई से लोगन के सामना करब। सरला जी आप परेशान काहे हो रहल बानी? जैसे आपके बेटी बिया वैसे ही हमार बेटी भी बिया। अब देखी जब से ये बेहोश भइल बिया हम लोग एकर कितना ख्याल रख रहल बानी। निकिता बेटी हम ठीक कर रहल बानी ना? कैसे? कुछ सही न कहलू तू, इतना सभी न सोच लू ये सब का अंत का होगी कि कितना शर्मिंदगी देले बाड़ू तू हमके जीवन भर खातिर। हमार सर तो शर्म से झुक गए, लोग तोहरा के दाना मरी है लेकिन ओके साथ साथ हम भी रोए। हमार सर भी हमेशा झुककर रही पूरा जिंदगी, इतना बड़ा और इतना गलत काम कहले बाड़ू तू। अब मुंह से कुछ बोल वो भी। हम तो से बात कर रहल बानी, काहे कहलू तू ऐसन, काहे 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 काहे। एक बार भी तू ना सोच लू कि माँ जी के का होगी हमार का होगी, एक बार भी ना सोच लू कि इतना बड़ गलती कर देलू तू। सरला जी का कर रहल बानी आप? अरे होश में आई, आप के केहू भी बेइज्जत ना कइल, आप एकरा के बेइज्जत कर रहल बानी, आपन ही बेटी पे हाथ उठा रहल बानी। अच्छा लागत बा का अगर आप एकरा के इतना कुछ बोल रहल बानी तो कोई काहे ना बोली? आप एकरा के एक मौका दगा कि आपन सफाई में वो भी कुछ बोल सके। हम जानत बानी कि आप माँ बानी, आप कुछ भी एकरा के बोल सके नहीं, लेकिन ऐसन भी कुछ मत बोली जौने खातिर आपके बाद में पछताए के पड़े, रोवे के पड़े। पछताए के तो पड़ गई और रोई नहीं सारा जिंदगी, और काहे ना बोली हम माँ बानी एकर हम। अगर सबसे ज्यादा दुनिया में एक प्यार करनी तो हम के ही हक बनेला कि हम एक ही गलती पे डांटी। काहे कि एक ही समझ में ना रहल बा कि एकरा खातिर का गलत बा का सही बा, कि और कितना डांट सके नी, काहे कि हम के कौनो हक ना बनेला, लेकिन एकरा पे हक बनेला हमार, एक ही हम डांटब और जरूर डांटब। सरला जी और तू चला हमरा साथे प्रज्ञा, तू चला। एक बार हमारी बात तो सुन ली माँ, प्रेग्नेंट जानी ही ना। हाँ माँ प्रेग्नेंट ना बानी। हाँ सरला जी प्रज्ञा अपन मर्यादा जाने ले, वो ऐसा कबो कुछ ना कर सके ले जने से आपके शर्मिंदा होके के पड़ी। अरे हम तो कल तक आपके परवरिश के मिसाल देत रहनी और आज आपके ही परवरिश पे सवाल कर दे ले बानी। आप जे कुछ भी सुन ले बानी सब झूठ बा, आलिया और तनु के चाल है वो दोनों एकरा के फसवले बानी। पता बा पहल ई कि प्रज्ञा के बेहोशी के फायदा उठा के आलिया डॉक्टर से झूठ बुलवला सा कि प्रेग्नेंट बिया, केहू के बच्चा के माँ बने वाला बिया। आलिया प्रज्ञा के चैलेंज में हरावे चाहत रहे, एही खातिर ई सब कइल ताकि अब एकरा से नफरत करे शुरू कर देवे। ई सब उनकर चाल है। हाँ आपे बताई एमे ई बेचारी के का कसूर है, का गलती कइले भी आई? हमके माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ गलती हो गई। हमके विश्वास करे के चाहत रहे अपन बच्ची पे, लेकिन हम आलिया पे विश्वास करनी ओकर घटिया और झूठा बात पे। तो के बताबाना जब हमके गुस्सा आवेला तो हमार दिमाग काम ना करेला, दिल कहत रहे कि हमार बच्ची गलत कर ही ना सकत, और ऐसन गलती तो कबो भी ना, लेकिन दिमाग कहत रहे कि शायद कौनो ऐसा लम्हा। प्रज्ञा हमके दोहरा पे इतना बड़ा इल्जाम ना लगावे के चाहत रहे बेटा, का करी माँ बानी ना। ऐसा लगेला कि जैसे तोरा पे कौनो भी तकलीफ आई तो तू कैसे सह पाईबू, का जवाब देबू तू सबके? हमके सब याद बा लेकिन अभी के ना, अगर वो बच्चा सच में एक खातिर हम इतना गुस्सा में यहाँ पर
हमके माफ कर दो। माफ माफ प्लीज आप हमारी बात सुनो। आप गुस्सा थोड़े ना करत रानी। आप तो सिर्फ हमारी फिकर करत रानी ना। और फिकर करे के तो आपके हक भी आ। हमके ना लगल बुरा आपके कौन हो बात के। आप हमारी फिकर ना करत तो हमारा का होगी। और हम जाने लिखे आलिया आपके कौन ही बात की गुस्सा दिलावे खातिर कई लग। कोई भी होत ना तो ये करत हमके आपके कौन बात के बुरा ना लागल। आप ना जाने ली लेकिन यो भी उसे कईयो सवाल कईले जौने के जवाब हमरे पास ना रहे। वो यही खातिर कि आप दोनों हमार फिकर करेले। बस चाहे अब डांट दिन ठीक है ना। अब जितना प्यार करेनी उतना प्यार भी तक यू ना करेला। सरला आंटी हमरा पे का है इतना भड़कत रही जैसे सारा गलती हमार बा। अबे मैं हम का कहीं नहीं। हाँ एगो दोस्त के मदद करे चाहिए बाकी ओकरा भी तो समझे के चाहिए ना। वो हमके कुछ बतेली ही ना। काहे ना बतेली निकिता। ओ तू बड़ो भाई हमके पता बा कि आप का सोच रहल बानी लेकिन आपके टेंस होके के बिल्कुल भी जरूरत ना। वो लड़की खातिर जे आपके कबो अपन फ्रेंड मानला ही ना। इतना रिस्पेक्ट दे लो के इतना बड़ पोजीशन दे ल छोटा से छोटा एम्प्लॉय भी अपन बॉस के इतना ट्रस्ट करेला कि ओके सब कुछ बतावेला। वो तो सेक्रेटरी बने लायक भी ना रहे और आप ओके अपन दोस्त बना लेला। आपके कुछ भी बतब लगना हो शी केप्ट यू इन डार्क। ऐसा काम के करेला। अच्छा घर के लड़की यू नो गेटिंग प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज इज सच अ बिग थिंग। वो आपके धोखा देले बिया एकदम मासूम बनेली मासूम दिखेली लेकिन बिया ना। वो इनोसेंट चेहरा के पीछे एकदम चालाक लेके छिपल बिया। हम आपके पहले ही समझावे की कोशिश कर ले रहने लेकिन आप हमार बात ना मानला। इतना चालाक बिया वो कि बाहर पता ना कितना लड़कन के साथ होगी और यहाँ पे आके पर आपके बेवकूफ बना रहल बिया। वो हमरे साथे बहुत गलत कहली। बाकी दादी कहली की हो सके लौकर कोनो मजबूरी होके हो सकेला वो ही सोचत हो के कि ये जाने के बाद पता ना हम ओकरा बारे में का सोचब या फिर वो ऐसे कुछ चाहते नहीं के बस ये सब गलती से हो गई। भाई आप कितना स्वीट बड़ा और कितना इनोसेंट बड़ा। इतना ज्यादा इनोसेंट बड़ा कि आपके कोई भी फायदा उठा ले वेला और ये तक कर रहल भी आओ। चला आपके कहले पे हम मान लेता नहीं कि शायद ओकरे कोनो मजबूरी होके लेकिन अब काहे ना बता रहल भी कि ओकर होके वाला बच्चा के बाप के है। या इहो भी हो सकेला कि शायद ओकर लाइफ में इतना लड़का हो के क्योंकि खुद ना पता कि आलिया प्लीज हमने के कोनो हक नहीं के केहू के करेक्टर पे उंगली उठावे के। सॉरी भाई पर हमार नजर में ऐसन लड़कियन के कोनो इज्जत ना हो खेले और आपके भी ना करे के चाहे। ऐसन लड़की के पीछे आप अपन टाइम काहे वेस्ट कर रहे बानी। आप खुदे सोचे भाई कि जे लेके अपन माँ के सगीना भाईलू आपके साथ कैसे लॉयल रही। आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। अपन बारे में सोचा। 2 हफ्ता के बाद आपके शादी है। तनु के बारे में सोचा वो कैसे शादी के सारा तैयारी खुदे कर रहल बिया। शी इज रनिंग अराउंड एवरीवेयर फॉर एवरीथिंग। सब कुछ बेचारी अपने आप कर रहल बिया। आपके ना लगा था कि आपके ओकर मदद करे के चाहिए। ऑल आई एम सेइंग इज कि कोनो दूसरा लड़की के खातिर आप अपना आपके इतना भी डिस्टर्ब मत करें कि आप अपन लाइफ पे ही ध्यान ना दे पाई। खुद सोची आपके लाइफ सिर्फ आपके लाइफ तो ना बा। हम सबकर लाइफ आपसे एसोसिएटेड बा। आपके अगर कुछ भी होखेला तो हमनी के भी हर्ट होखेला। तो हमनी खातिर ही अपने बारे में सोचे शुरू कर दी। 3 दिन बाद आपके संगीत है। आप समझ रहल बानी ना हम का कह रहल बानी। अगर आप खुश ना रहिए तो हमनी कैसे खुश रहब। सो आई थिंक आप अपना बारे में सोची यू नो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गेट अ होल्ड ऑफ योर सेल्फ एंड एंजॉय लाइफ। ठीक बा। वैसे अब एगो बहुत इम्पोर्टेंट काम बा। कल बंटी बबली के बर्थडे बा और हम उन लोग से प्रॉमिस कर ले रहनी 1 महीना पहले के कि उनके खातिर एगो पार्टी रखब। तो तू दोनों गेस्ट लिस्ट बना दिया बाकी के काम निकिता। हमार मतलब बात दादी से कह दे। ओ परफेक्ट। भाई आप बंटी बबली के बर्थडे सेलिब्रेशन के बिल्कुल भी टेंशन मत ली।
कल घर में सेलिब्रेशन होगी और इतना दिन बाद घर में कोनो टेंशन ना होगी, सब लोग नॉर्मल होगी, सब लोग एंजॉय करिए। यू डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। हमनी सारा तैयारी कर ले। हम तेरे साथ ही रह और तो के एक पल खातिर भी टेंशन में ना आवे दे। थैंक यू। ये तो और भी अच्छा हो गए। जे प्लान हम 3 दिन बाद संगीत खातिर बना रहल बनी वो अब कले हो जाए। अच्छा बा, प्रज्ञा के संभाले खातिर मौका ना मिली और हम ओके बर्बाद करके कोनो मौका ही ना छोड़ब। चल जी, जे भइल अब ओपे मिट्टी डाला, अंत भला त सब भला। अरे अंत अभी भइल कहा बा, अंत लाइव हमनी ई दूनो प्रज्ञा के बदनाम कैले बानी ना, ई दूनो के झूठ अभी के सामने लाई। शुरुआत ए कैले बानी, खत्म हमनी ही करब। अब बिल्कुल ठीक कहनी, बहुत गलत कहनी हो। इतना घटिया हरकत कैले बानी ओकर वजह से हम अपन बच्ची पे शक कहनी। ए बार हम उनके छोड़ब ना, एक बार उनकर पाला एगो माँ से पढ़ल बा, हम उनके सबक सिखा के रहब। माँ आपकी बात ठीक किया, लेकिन हमनी का कर सकें? इनसे आलिया के अगेंस्ट डायरेक्टली कुछ ना बोल सकब। काहे कि ई आलिया से बहुत प्यार करेल, उनका छोट बहन भी आओ ना। हमनी इनके कोनो पुराना बात याद दिला सकें? हमनी के एगो ऐसन सबूत की जरूरत बा जी आलिया और तनु के सच भी सामने ले आवे और जौन के कोनो तोड़ भी ना हो के वो दोनों के पास। ऐसन सबूत कहाँ से? ऐसा सबूत मिल सकेला जी आग लगवले बाना, पानी भी उहे डाले, जे झूठ बोले बाना सच भी उहे बोली। केकर बात करल बानी आप? ओ डॉक्टर के, ओ डॉक्टर ही टेस्ट कैली रहे ना तोहार झूठा टेस्ट। जब वो डॉक्टर आई ना तो वो आलिया और तनु के भांडा ही फूट जाए। फिर अभी जे ओकर छोट बात पे यकीन कैला, ओकर सच्चा बात पिता ओके यकीन करे के ही पड़ी। ई सही है, चोर के ही सरकारी गवाह बना दा, केस खत्म। हाँ दादी, बात तो माँ की सही दिया। वो डॉक्टर अगर यहाँ आके सच कह देवे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन मुद्दा ये है कि माँ वो डॉक्टर यहाँ का आई जब वो जाने लगे हमने जानत बानी की वो गलत दिया। तू बिल्कुल चिंता मत कर, तो क्या अपन माँ पे विश्वास बाना तो हम ही ओके लेके आए बेटा। हम सब कुछ बिगड़ ले बानी ना तो सब कुछ ठीक हम ही करब। हम अभी से वादा ले ले रहनी कि वो हमेशा तोरे साथ रही, और हम चाहता नहीं कि वो हमेशा तोरे साथ रहे। यही खातिर हम सच्चाई ओकरे सामने ला के रह। तू देखियो हम जाइब और डॉक्टर के लेके आए। ठीक बा, हम भी आपके साथ चलब। ना तू आराम कर, तुहार तबीयत भी ठीक ना बा ना, सब कुछ बिगाड़ देनी ना हम। अब हम ही संवारब, हम लेके आ बतानी डॉक्टर के। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई मीन आप जे दोबारा जाके कंफर्म कहनी उसे तो पूरा फैमिली के फिर से विश्वास हो गए। यू नो दैट वाज द मास्टर स्ट्रोक देयर। थैंक यू वंस अगेन। हमके खुशी भइल कि हम आपके काम आ सकनी। जैसे कि आप कहले रहने कि आपके फ्रेंड के शादी खतरा में रहल, उन लड़के की वजह से हमके तो आपके हेल्प करे के ही रहल। हाउ स्वीट ऑफ यू डॉक्टर, आपके इतना अच्छा ख्याल बा और हर कोई ऐसे सोचे लग जाए तो दुनिया कितना अच्छा जगह बन जाए। देयर वी गो, आई होप कि ये पैसा आपके क्लिनिक के बड़ा करे खातिर काफी होगी और आपकी क्लिनिक और भी ज्यादा बड़ा हो जावे और आप और भी बहुत से लोग के मदद कर सके। जे आपसे मदद मांगे ले। थैंक यू, वेलकम। और हाँ एगो और बात, कहा ना कि पैसा हम आपके क्लिनिक के बड़ा करे खातिर दे ले बानी, ये बात केहू के पता ना चले के चाहिए, आपके ला भी और हमरा ला भी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इजे प्रेगनेंसी खातिर हम जे आपके करे के कहनी, ये बात तो डेफिनेटली केहू के ना पता चले के चाहिए। काहे कि सोचा अगर हम पैसा दे के आपके क्लिनिक बड़ा करवा सके नी तो तोड़वा भी तो सके नी। बट वंस अगेन वेरी गुड जॉब डॉक्टर, बहुत अच्छा काम कैले बानी आप।
आई होप आप और हम कब दोबारा ना मिली और ई बारे में आप कभी बात भी ना करें। हम के ऐसा काहे लग रहा है जैसे हम एक बात मान के कुछ गलती कर देनी। एक बार इनसे मिलके ही घर जाता नहीं। तुरा कुछ बोले की जरूरत नहीं है। तू जब इतना बड़ बात छुपाई लू ता अब बोल के का फायदा। आप हमारी बात सुन लेते तो शायद उनके ना पता तू हमरा बारे में का सोचे लू। लेकिन अब भी हम तुरा के अपन बेस्ट फ्रेंड मान ली। ई खातिर हम तुरा पे गुस्सा हो गए नहीं कि तू हमसे इतना बड़ बात छुपाई लू और इतना सब कुछ होके के बाद भी हम तुरा ही घर से जाए ना देव। कहे की तुहरा बिना कोनो काम ना कर सके हम। तू हो खेलू तब कोनो टेंशन कोनो परेशानी ना हो खेला। याद बाब हम तोरा से कले रहनी के तोरा से जुड़ल हर इंसान हमके अच्छा लागेला। इखा तेरा इतना सब कुछ होके के बाद भी एक बच्चा के साथ नो हार्ड फीलिंग्स। देखा हम अभी तोरा साथ बानी चाहे फिर केहू तरह साथ होके या ना होके जोनो तरह हम तहार ख्याल रखनी ना वह तरह ही बच्चा के भी ख्याल रखब। आज एक बार फिर आप हमके एहसास दिला देली कि आपके हमारे साथ होकर वह हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बा। सुना आपकी। देखा अगर तू बच्चे के बाप के नाम बतावे चाहत बड़ू तो नाम के साथ साथ एड्रेस भी बता दा। फिर उकरा मार मार के तरह सामने लेके आए उकरा बाद माफी मंगवाई फिर उकरा बाद बच्चे के नाम दे। अगर वो नाम न दिलस तो मार मार के बेनाम कर दे उकरा के। बाकी एकरे बारे में बात के कोनो फायदा ना। हम कुछ और बतावे आए रहन। का जिप खुलल बाप के। अरे ऊना और देखा जिप जिप होकेला फिर चाहे कहूं भी होके जिप के का भरोसा। अब इतना का शर्माता रू तो हर बच्चा आप डॉक्टर शोभा बानी ना? यस आपके। हम उस लड़की के माँ बानी जेकर गलत रिपोर्ट बने ले बानी आप। सॉरी हम कोनो केस ना जाने ली। देखी हमके बस अपन सवाल के जवाब चाहिए। आप बता दे है तो हम चल जाए। हम कनी ना आपके इनसे बात ना करके बात करे के बना आपसे। हम जाने चाहत बानी की काहे कही नहीं आप ऐसा काहे हमारे बेटी पे इतना बड़ा इल्जाम लगाई नहीं इतना बढ़ के। अरे एको डॉक्टर होके आप ऐसे कैसे कर सके नहीं। हमके हमारे सवाल के जवाब दे दा फिर हम चल जाए। सच में देख हम कनी हमके आपसे बात ना करके बात करे के बा हमके बात करे के बाप से हमके जाने के बा कि आप हमारे बेटी के साथ ऐसा काहे कही नहीं। का दुश्मनी बा हमारे बच्ची के साथ आपके। का बिगड़ ले बिया हमारी बेटी आपके। अरे एगो डॉक्टर होके से पहले आप एगो औरत बानी। एगो औरत होके भी एगो औरत के दर्द ना समझ सके लू। इतना बड़ कलंक लगा देनी आप अपने ऊपर। इहो ना सोच लू कि इतना बड़ कलंक के साथ कैसे जी कैसे लोगन के सामना करी कैसे सबके बतावत करी कि सब झूठ बा। इतना भी ना सोच लू। Thank you.
कब हम के इनके साथ रह के खुशी खुशी भी ना मिल पाई। तू यहाँ का कर रहल बाड़ू? अपन याद समेटे आयल होगी तनी कहा ना, इ घर में आयल रहे बेचारा अपन पति के लेवे और अब एकरा पास कुछ बचल ना याद के अलावा। इहे करे आयल बाड़ू ना हमके कौनो बातें ना करे के बात तू से बात करे के हालत में तू बाड़ू ही नहीं खे ना। बहुत एटीट्यूड दिखा के गेल रहलू ना, बड़ा बड़ा बात करत रहलू, ई कर देबू ऊ कर देबू। हम तोहके उनके सामने एक्सपोज कर देब, तहार सच उनके बता देब, तो जाके बता दे ना। अरे नीचे तहार पति देव बाड़े जाके उनके सब सच बता दे। तू तो कहले रहलू कि तू भाई और तनु के शादी रुकवावे वाला बाड़ू, तो जे चैलेंज देले रहलू के पूरा कर दे जा। तोहके एगो इंटरेस्टिंग बात बता बतानी। वो कहले ना कि सांप के बिल में कभी भी हाथ डाल के सांप के परेशान ना करे के चाहिए, और तू तो ओहे कहलू ना। हमार ही घर में आके तू हमके ही चैलेंज देलू, आई डोंट थिंक दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव। और इंटरेस्टिंग बात ई बा कि अब हमके देखे के बाद कि इतना सब कुछ हो गईले के बाद पहले तू एक घर से जाइबू कि भाई के लाइफ से बाहर जाइबू। और तू हमके का कहले रहलू कि हमके अपन शादी के तैयारी छोड़ के घर से बाहर जाए के तैयारी करे के चाहिए। वेल हम तोके एगो सजेशन देवे के चाहतन, तोके शहर छोड़े के तैयारी शुरू करे के चाहिए। कहे कि हम दोनों मिलके तोहार मुंह पे जे कालिक पुतले बानी ना, ओकरे बाद तोहार बहुत बदनामी होगी। पहले लोग तोके ई बात का ताना सुनाइए कि तू बिना पति के माँ बने वाला बड़ू, और फिर जब बच्चा ना होगी तो अबॉर्शन के बारे में ताना सुनाइए। लोग तो कि बहुत परेशान करे वाला बड़े, तो अच्छा हो कि तू शहर छोड़ के कोनो और शहर शिफ्ट हो जा, जहाँ पे तो कि अभी भी ढूंढ ना पाए। तनु भाई का है ढूंढिए के। वैसे भी स्वीट हार्ट प्रज्ञा के तब भाई भूल चुकल बड़े, और जैसे ही भाई के शादी तारा से होगी ना, दो दिन में वो निकिता के भी भुला जाई है। तू लोकेशन का लगता कि हम पे झूठा इल्जाम लगाई इसे, तार आपन गुना छिप गई नी। हम मानत बन कि हमके ठोकर लागल बा, गिरल ना बन तक सर हमार अब तक ऊंचा बा, हिम्मत हमार अब तक मजबूत बा। तू दोनों के अब भी इनके सामने एक्सपोज कर सकेंगे, और खासकर ईजे तू हमारे साथ कैलू है ना, ओकरे बता हमके एगो नया वजह मिल गई ला तू दोनों के बर्बाद करेगी। हालिया पागल हो गई भैया, आई थिंक एक रियलाइज ना भाई कि हमने दोनों एक कितना बड़ झटका देले बा। तनु रिलैक्स, वो कह रहे ना कि जब चोट ज्यादा बड़ होखे तो ओकर जख्म जे बा ना थोड़ा देर बाद हिट करेगा। ये बिचारी के भी वही हालत भइल बा, एक इतना बड़ झटका मिलल बा कि एके समझ ना रहल बा। लेकिन हाँ एक चीज तो तय बा कि जब तक एके रियलाइज होखी ना, तब तक तहार और भाई के शादी हो चुकल होखी। अच्छा बा, अगर शादी से पहले तू ना गयी तो शादी के बाद भी रुकी जाये। वो कहा ना शादी के बाद तू हमार भी सेक्रेटरी बन जाये भी, तो अब तो से काम करवावे में जे मजा आये ना, वो कोनो अलग लेवल। ऐसा ना होगी, हम तो हर सेक्रेटरी हर की चीज़ ना बनब। Enough of your drama प्रज्ञा, तहरे जैसन मिडिल क्लास लड़कियन के हम बहुत अच्छा तरीका से जानी ले। तू लड़की लोग सपना इहे देखेलू कि कौनो तरीका से कौनो रईस खानदान के लड़का के फसा लेहल जाए, बॉयफ्रेंड ना बनल तो कौनो तरीका से ओकर नौकरानी बन के ओकरे साथ में रहे चाहती है, ताकि ओके फसा चुके और तहरा ला अच्छा ही बना। सेक्रेटरी बन के ना तो कम से कम नौकरानी बन के तू भाई के। हमार जिंदगी भले ही आपके बिना सुना होते, हम अपन मांग ज्यादा दिन तक सुना ना रहे थे, और इसे आपकी इन आंखें कुमकुम लगी। पहले ही चैलेंज दे ले रही ना, आज हम खुद के चैलेंज देता नहीं। इस शादी से पहले खुद पे लागल इल्जाम जरूर मिटा के रहो। देखो आप हमार घर पे आके इस तरह से बात ना कर सके नहीं, आप जाए यहाँ से। चाय खातिर ना आई बानी, अपन सवाल के जवाब ले भी आई बानी। मतलब आप इसे न मानब, हमके पुलिस के बुलावे के पड़ी। ठीक बा, पुलिस के बुलावे के बाना तो बुलावा पुलिस के, हम पुलिस के खुदे बताए। आप हमार बेटी के गलत और झूठा रिपोर्ट बनेले बाड़ू, और इसे पहले पता ना कितना लेकिन के झूठा रिपोर्ट बना चुकल बाड़ू, फिर पता बाना पुलिस का करी। अरे पुलिस जेल में डाल दी तो रखे, साथ में तुम्हारा क्लिनिक हमेशा खातिर बंद हो जाए। क्लिनिक बंद ना करावे चाहत बाड़ू हम आपके, आपके तो ठीक से जानत भी ना बानी। हम तो का दुश्मनी हो सकेले हमारा आपसे, ये जाने चाहत बानी कि हमार बेटी से का दुश्मनी बा आपके, जे इतना बड़ आप इतना बड़ झूठ बोल देलू ओकरा खातिर। आप तो डॉक्टर बाड़ू ना, कितना पढ़ लिख के
ई डिग्री हासिल कैले बाड़ू, पर जब डिग्री मिले ली आपके तो आप लोग तो कसम भी खावेलू कि हम हमेशा लोगन के जिंदगी देव, उनकी खुशी देव, लोग भगवान समझे ले आपके। फिर इतना बड़ झूठ, लोग कितना भरोसा करे ले आप पे। अपन पूरा जिंदगी आपके सौंप देवे ले। आप जे मुँह से निकाले ले ना, लोग उहे के सच माने ले। यही तरीका के भरोसा हमके भी बाप ना बेटी पे। हम जानी ले हमार हमार बच्ची कबो झूठ बोल ही ना सकेले, वो हमेशा सच बोले ले। और आप एक बार भी ना सोचनी इतना बड़ा आरोप लगावत कि इहो भी ना सोच लू कि एगो बे ब्याही माँ ऊपर क्या गुजरी इस समाज ओके ओके कौनो निगाह से देखियो कि कैसे जिए दे यू कैसे जी ई कलंक अपन माता से अरे यू कैसे सबके बतावत मेरी कि सब कुछ झूठ जी डॉक्टर कहनियो झूठ बा। आपके बात माने ले लोग, कहे ले ना कि मरब और जीव सब भगवान के हाथ में होखेला, लेकिन इस संसार में एगो इंसान बा जेके लोग भगवान माने ले और वो बड़े डॉक्टर। हम सब एगो डॉक्टर के भगवान ही माने ले। आप तो भगवान के भी शर्मसार कर देनी, इहो भी ना सोच लू कि कितना लोग विश्वास करे ले आप पे। और अगर अगर दुनिया के लोगन के पता चली कि एगो डॉक्टर ऐसा कहनी है तो सच में लोग करोड़न डॉक्टर पे विश्वास करना बंद कर दे है। अपन पेशा के साथ आप गद्दारी कहनी, आप का जवाब दे है वो ईमानदार डॉक्टरन के चिकबो झूठ ना बोले ले और इतना मन से लोगन की सेवा करे ले, उनके उनकी जिंदगी देवे ले। एक बार भी ना सोच लू कि अगर हमार बेटी के जगह आपके परिवार की कौनो बेटी हो और कौनो और डॉक्टरों के साथ ऐसा करे तब आपके कैसा महसूस हो। अगर हमार बेटी की आँख में आंसू आई ना तो भगवान भी आपके चैन से ना सोते दे। और अगर हमार बेटी दुखी भइल ना तो एगो बाप के बदुआ दे दिया कि आप कबो खुश ना रहे। बस कर आंटी, बस कर, हमके और शर्मिंदा मत कर। हाँ हमसे गलती भइल बा, पर ये ऑलरेडी हमने आपसे माफी मांग ले ले आंटी। हमार यकीन कर, हम ये सब ना कहनी अपन फायदा खातिर, हमसे ही करवावल गइल बा। और ना ही आपके बेटी से हमार कोनो दुश्मनी बा। आप ठीक कह रहल बानी आंटी, आपके बेटी प्रेग्नेंट ना भी आ, पर केहू हमसे कहले रहल ऐसन बोला, काहे कि आपके बेटी केहू और के लाइफ खराब कर रहल बानी। हमके उ टाइम पे पता न रहे कि हमसे झूठ बोलवावल जा रहल बा, हमसे झूठा रिपोर्ट बनवावे के गलत वजह देवल जा रहल बा। हमके उ धमकी देले बा कि अगर हम केहू की सच्चाई बता देनी तो वो हमार लाइफ हमार करियर सब बर्बाद कर देगी। आप तो शर्मिंदा बाड़ो क्या, गलत काम कहनी। जब आपके दुख हो रहा है भाई गलत काम खातिर, तो भगवान भी आपके मौका दे है बेटा कि आप अपन गलती सुधार लो। अब हमारे साथ चल के एक बार सबके सामने सच बोल दे ना, तो सब आपके बात पे विश्वास कर ली है। आप हमारे साथ चला अब। ना आंटी, हम ना चल सके नहीं आपके साथ, हम कहनी ना हमके धमकी दे ले भैया न तो हमार बच्ची की जिंदगी की सवाल है और आप ही होके बचा सके लो बेटा। आप न समझ रहल बानी, हम चाह के भी आपकी मदद न कर सको। क्या की हाथ जोड़ रहल बानी, हम पाँव पड़ रहल बानी आपके। अब चली ना हमारे साथ, हमार बच्ची की जिंदगी की सवाल है। न समझ रहल बानी, आप प्लीज जाए यहाँ से, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहल बानी, प्लीज जाए। आप ही ना हमारे साथ वैसे नहीं करेलू जैसे सरलामा करेनी। अरे केहू हमके कुछ बतावेला ही ना, घर में इतना सब कुछ हो गयल और हमके अब पता चल रहल बा। टाइम के करे पास रहल, इधर प्रज्ञा बेहोश भइल, उधर डॉक्टर आ गइल और डॉक्टर आवते ही बखेड़ा खड़ा कर देला। और अभी इतना गुस्सा में रहल की ओके कंट्रोल करब मुश्किल रहे। फिर सरला जी आ गयी, फिर उनके संभलनी। ऐसे में हम कैसे तोहरा के फोन कर दी। लेकिन दादी अब हद हो गयी, ये दोनों ऐसा हरकत पे उतार आयल बानी, हमनी के इनके रोके होखी। हम अभी के जाके बता देव कि ये सब झूठ है, और अगर वो ना मानल तो हम ओके सब सच बता देव। दादी हम दी के साथ ये सब होत ना देख सके नी, और कितना सही है वो, पहले चोरी के इल्जाम और प्रेगनेंसी के इल्जाम, कबो कुछ तो कबो कुछ। हम जा रहल बानी दादी। ना तू कहीं ना जाइबा। लेकिन दादी हमार बात तो सुना, ये दोनों कितना चालाक बानी ये तू भी जाने ला और हम भी जाने ले। अगर तू अभी के सब कुछ बतावे चल गई ना तो ये कुछ ऐसा कर सके नी जोने से तू अभी के नजर में गलत हो जाएगा। और फिर जैसे तू अभी और प्रज्ञा के साथ दे रहल बा ना, ऐसे तू ना कर पाएगा। अभी के यादाश्त कहले से ये दोनों पूरा पूरा फायदा उठा रहल बानी। और बेटा हमनी के हाथ बंधल बा, हमनी कुछ ना कर सके नी। दादी कब तक ना बोली, कबो कबो तो ऐसा लगेला सच बोलब, सच के साथ देव, सच पे डटे रहब, ये दुनिया के सबसे गलत काम हो।
और यही के सजा हमनी के बार बार मिले ले। इस सब कुछ सिर्फ तहरे साथ ना हो रहल बा, हम सब के साथ भी हो रहल बा। गुस्सा तो हमनी के भी बहुत आवेला, लेकिन जब वो प्रज्ञा और अभी के तरफ देखे नी ना, तब बेटा दिल में सिर्फ एक एक ख्याल होखेला कि कौनो तरह से उनके मिला दी, और यही सोच के ना ये गुस्सा के हमनी पी जावेंगे। तू प्रज्ञा के चिंता मत कर, जब कौनो औरत पे झूठा इल्जाम लगेला ना, तो सबसे ज्यादा तकलीफ ओकर माँ के होखेले। सरला जी हमके बोल के गई बानी कि उ ए झूठ के पर्दाफाश करी है और अपन बेटी के ए इल्जाम से बाहर करी है। हमनी के कल तक के इंतजार करे के होगी, और हमके पूरा पूरा उम्मीद बा कि सरला जी जो ने काम खातिर गई बानी ना, ओके कर के ही रही है। दादी उनके यही काम करे ही होगी, काहे कि आलिया और तनु ए बार जे चाल चले बानी ओकर सीधा असर अभी और प्रज्ञा दी के रिश्ता पे पड़ी। ओ हेलो आंटी, दिखाई नहीं देती तो जोर से धक्का मार दे लू। हाँ देनी हाँ तो। ओ हो तनु, देखा तो सही आंटी कितना जल्दी में जा रहल बानी। वैसे आंटी जी इतना जल्दी में आप जात कहाँ बानी? कहीं ऐसा तो ना अपन बेटी के होवे वाला डिलीवरी के बुकिंग करे हॉस्पिटल जा रहल होगी? वेट अ सेकंड, ओकराला तो कम से कम अभी 9 महीना बाकी बा, वो तो पॉसिबल ना बा। यह भी हो सकेला कि शायद डिलीवरी होखे भी ना तनु, कहीं बदनामी के डर से एबॉर्शन ही ना करवा देवे। तू दोनों इतना गंदा और घटिया हरकत कैले बाड़ू ना, ओकरे बात तू देखी हा। हम तो की ऐसन जवाब दे, ऐसन मुंह तोड़ जवाब दे कि तू चुप हो जाइबू। देख लू आलिया, मुंह दिखावे लायक इनकर बेटी ना रहल और ई चलनी हमनी के मुंह तोड़। हमार बस चले ना तो हम तो हर मुंह ना तो हर हाथ पैर भी तोड़ देंगे। और हमके तो लगता ये जल्दी होके वाला बा कि जैसे ही तू दोनों के सच्चाई अभी के सामने आ जाए ना, फिर तू दोनों के हाथ पैर तोड़े से हमके केहू ना रोक पाई, और उससे हाथ पैर तोड़ब ना कि जिंदगी भर खातिर याद रखू, और फिर अस्पताल में बिस्तर की जरूरत हमके और हमार बेटी के ना तू दोनों के पड़ी। वांट बेटी के बोलती बंद हो गई तो आपके बोलती शुरू हो गई। ई माँ बेटी भी ना कबो चुप ना रह सकेले, देखो अभी भी कितना अकड़ दिखा रहल बानी। आंटी जी बहुत ही सिंपल से बात भाई, जे अकड़ बाना है अपना पास रखी, हमनी के सामने ज्यादा स्मार्ट बने के कोशिश मत करा। बिकॉज अगर सोचा अगर आपकी बेटी के प्रेग्नेंट दिखा सके नी, तो सोचा कि हम आपके साथ का कर सके नी। और अगर दुनिया वालन के पता चले कि आप ऐसा कुछ कहनी है, प्रज्ञा से ज्यादा डबल बदनामी तो आपके होगी ना।